मानसून की विदाई हो चुकी है और अब आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली की जनता पर नकेल कसने वाला समय आ गया है। दिल्ली जो ग्रीन सिटी के अवार्ड से सम्मानित थी, उस दिल्ली में जिस दिन से आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई उसी दिन से दिल्ली को ग्रीन सिटी की जगह प्रदूषण के चैम्बर नाम देकर दिल्ली की जनता को अलग अलग नियमों और पाबंदियों में बांधना शुरू कर रखा है। सच क्या था, क्या है और यह सब क्या लीलाएं हैं, यह तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और परिवहन विभाग के आला अधिकारी ही बेहतर जानते हैं। पर आप सभी दिल्ली वासियों और भारत देश में परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को बता देना मेरा कर्तव्य है कि आज यानी कि 1 अक्टूबर है और आज से दिल्ली परिवहन विभाग आपके ऊपर कई नए नियमों के तहत आने वाले 4 महीनों तक कार्यवाही करने के लिए सड़कों पर बाज की तरह दृष्टि बढ़ाएंगे। ध्यान रखें, अपने वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर उतारने से पहले अपने वाहन के सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच कर लें। आपका वाहन दिल्ली में प्रवेश हेतु वर्जित तो नहीं हुआ है, क्योंकि यह दिल्ली सरकार और उसका सबसे प्रिय परिवहन विभाग है जो सरकारी खजानों में इजाफा करवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपका वाहन जब्त कर जुर्माना वसूल कर वाहन सुपुर्द करने की जगह जबरदस्ती स्क्रैप भी करवा सकता है। यहां सबसे मुख्य जानने योग्य बात यह है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2017 में दिल्ली के प्रति जारी किया था और इसे 15 अक्टूबर से लागू करने की बात कही। CAQM के निर्देशों के तहत इसे 15 दिन पहले से लागू किया जा सकता है, जिससे हवा में प्रदूषण बढ़ाने वाले तत्वों को रोका जा सके। आपके जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि CAQM के अनुसार GRAP को 4 श्रेणियों में लागू किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 201 से 300 के बीच, 300 से 400 के बीच, वही 400 से 450 के बीच और 450 के ऊपर। यहाँ आपकी जानकारी है तो यह बताना भी अनिवार्य है और आपके लिए जानना भी कि सभी स्टेज के लिए अलग अलग पाबंदियां भी घोषित है, जिसके अंतर्गत ही दिल्ली सरकार और उसके अंतर्गत कार्यालय जैसे परिवहन विभाग इत्यादि कार्यवाही कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस स्टेज पर क्या पाबंदियां लागू है। स्टेज 1 पर लगती है ये पाबंदियां, कंस्ट्रक्शन और डिमोलेशन से निकलने वाले धूल और मलबे के प्रबंधन को लेकर निर्देश लागू होंगे। सड़कों पर जमी धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध रहेगा, ऐसा करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां ट्रैफिक पुलिस की तैनाती होगी। पीयूसी के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। गाड़ियां बिना पीयूसी के नहीं चलने दी जाएंगी। NCR में कम से कम बिजली कटौती होगी, डीजल जनरेटर का इस्तेमाल बिजली के लिए नहीं होगा। वहीं स्टेज 2 पर लगती है ये पाबंदियां, हर दिन सड़कों की सफाई होगी, हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा, होटल या रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अस्पतालों, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी जगहों को छोड़कर कहीं और डीजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसके लिए सरकार पार्किंग फीस बढ़ाने के दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है। इलेक्ट्रिक या CNG बसें और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ाए जाएंगे। स्टेज 3 पर लगती है ये पाबंदियां, हर दिन सड़कों की सफाई के साथ पानी का छिड़काव होगा। अस्पताल, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी कुछ जगहों को छोड़कर पूरे दिल्ली NCR में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी बंद रखी जाएगी। इंडस्ट्रियां बंद कर दी जाएंगी, मिल्क डेयरी यूनिट, दवा और मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्रियों फैक्ट्रियों को छूट रहेगी। दिल्ली NCR में माइनिंग बंद करवा दी जाएगी, स्टोन क्रशर और ईंट भट्टियों का काम बंद करवा दिया जाएगा। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल पर चलने वाली कारों को लेकर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वही स्टेज 4 के बारे में बात कही गई है कि दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद कर दी जाएगी, सिर्फ जरूरी सामान लाने ले जाने वाले ट्रक आ सकेंगे। दिल्ली में रजिस्टर्ड मीडियम और हैवी गुड व्हीकल्स के चलने पर प्रतिबंध रहेगा, जरूरी सामान ढोने वाले व्हीकल को छूट मिलेगी। दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल पर चलने वाले कारों पर प्रतिबंध रहेगा, सिर्फ BS4 इंजन गाड़ियां और जरूरी सेवा में लगी गाड़ियों को छूट रहेगी। इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां बंद रहेंगी, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी पर भी रोक रहेगी। सिर्फ हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ब्रिज, पाइपलाइन बनाने का काम चलता रहेगा। NCR में राज्य सरकार के दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी ही आ सकेंगे, बाकी घर से काम करेंगे। केंद्र के कर्मचारियों का फैसला केंद्र सरकार करेगी। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, गैर जरूरी कमर्शियल को बंद या चालू रखने का फैसला भी सरकार का होगा। इस वीडियो में इतना ही। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए NTV News ट्रांसपोर्ट।